खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां पर रोडवेज से बसें गायब हैं, यात्री परेशान हैं। प्रधानमंत्री मोदी की रैली के लिए जिले से भेजी गई हैं 150 बसें। उत्तर प्रदेश सरकार चुनावी रैलियों में ऐसे लगी है कि जनता की समस्याओं से मानो कुछ लेना देना ही नहीं रह गया है। आजमगढ़ रोडवेज पर अन्य जनपदों को जाने वाले यात्री परेशान दिखे। रोडवेज परिसर में बसों का अभाव दिखा। किसी को लखनऊ तो किसी को परीक्षा देने जाना था। बता दें कि सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी की रैली के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने परिवहन विभाग से 2000 बसों की मांग कर दी है, जिससे यात्री परेशान हैं। यात्रियों को आने जाने के लिए बसें हैं ही नहीं, लोग कई कई घंटे इंतजार कर रहे हैं। एक ही बस में सैकड़ों लोग ठूस ठूस कर जाने को मजबूर हैं, लेकिन सरकार को सिर्फ चुनाव दिख रहा है। नेता चाहे कोई भी हो, उसको बस अपनी गद्दी प्यारी है। वहीं इस दिक्कत से कई छात्रों की परीक्षाएं और कुछ अभ्यर्थियों की SI परीक्षा भी देनी थी, वह भी छूट गई है। ऐसे में जब हमने यात्रियों से बातचीत की तो लोगों ने अलग अलग समस्याएं गिनाई। कुल मिलाकर परेशानी का ठीकरा सरकार के ऊपर ही फूटा। वहीं बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए पूछताछ कार्यालय के कर्मचारी भी नदारद हो गए। वहीं इस मुद्दे पर रोडवेज विभाग का कहना था कि ऊपर से आदेश मिला था कि प्रधानमंत्री मोदी की रैली के लिए प्रदेश सरकार ने परिवहन विभाग से 2000 बसों की मांग कर दी है, जिसमें आजमगढ़ जिले से 150 बसें भेजी गई है। 2 दिन में व्यवस्था फिर से सही हो जाएगी। कि आजमगढ़ क्षेत्र की 150 बसें जो है प्रधानमंत्री की रैली में लगाई गई हैं, जिस वजह से गाड़ियों की कमी हो रही है, ये 2 दिन बाद पुनः अपनी स्थिति में आ जाएगा। ऊपर से मुख्यालय का आदेश है जिसमें 2000 गाड़ियां लगी हैं। इस 2000 गाड़ियों में आजमगढ़ क्षेत्र की 150 गाड़ियां लगाई गई हैं और ये 150 गाड़ियां गंतव्य को जा चुकी हैं। नहीं, इधर से हम लोग कोई व्यवस्था नहीं है। मुख्यालय का जो आदेश है हम उस मानने के लिए तत्पर रहते हैं और जैसा आदेश है उस निर्देश के अनुपालन में जो और निर्देश मिला है उसका पालन किया गया है।